नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अस्टोन अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल सवाल है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिम वैन ऑप्शन है हमारे स्ट्रिंग इज हॉरिजोंटल स्ट्रिंग इज वर्टिकल विद द स्टोन एट द हाइस्ट पोजिशन स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग इज वर्टिकल विद स्टोन एट द लोएस्ट पोजिशन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विद द वर्टिकल नाउ इसको ऐसे देखना कि अगर ये आपका वर्टिकल सर्कल पूरा हो रहा है और मैं इन जनरल फार्मूला लिखता हूँ आपके लिए तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से चालू किया है और इट इज़ एट एन एंगल थीटा तो यहाँ से यू वेलोसिटी से चालू किया है और इस वक्त किसी भी जनरल पोजिशन में बात कर लेते हैं आपका एंगल थीटा बना रहे सो टेंशन so, आपकी जो आती है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा यह आपकी इन जनरल किसी भी थीटा पे आ, टेंशन की वैल्यू है ना जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोएस्ट पोजिशन पे सो so, टेंशन एट द लोएस्ट पोजिशन वहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू जो है जीरो डिग्री होएगी तो ये आपका वैल्यू हो जाती है एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी हाइएस्ट पोजिशन पर अगर हम बात करेंगे टेंशन एट द हाइएस्ट पोजिशन दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाईआर माइनस एम जी माइनस एम जी क्यों किया है बिकॉज ये आपकी कॉससीटा की वैल्यू यहाँ पे जाके आपके एंगल जो है वो वन एट्टी डिग्री हो जाता है तो इस वजह से कॉसिटा की वैल्यू वन हो गई तो ये आपकी लोएस्ट वैल्यू होएगी एंडहेंस स्ट्रिंग इज़ वर्टिकल और हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्ट्रिंग इज वर्टिकल एंड स्टोन इज एट द लोएस्ट पोजिशन यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे टेंशन की आपकी मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ आपकी टेंशन मिनिमम होती है यहाँ पे आपकी टेंशन मैक्सिमम आएगी और किसी भी एंगल पे लेंगे 45 डिग्री 60 डिग्री वो इन मैक्सिमा और मिनिमम के बीच में आ, वैल्यू वेरी करेगी सो ऑप्शन थ्री वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया